यू का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं रहता है। हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी, क्या बहुत सारे लोग आए रहे, बहुत सारी सुविधाएं भी पाए, फिर छोड़कर चले भी गए, फिर घूम फिर करके मार्केट रेट लेकर के कई जगह भोज खा करके, चाय नाश्ता करके, टेस्ट लेकर फिर लोग वापस आ गए। तो हमारे नेता की मानसिकता हमेशा से रही है कि सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो जनता दल यू कभी भी किसी व्यक्ति के लिए दरवाज़ा बंद नहीं रखा। अब उन लोगों के यहाँ चाय फीकी थी कि बहुत ज़्यादा मीठी थी, हो सकता है कि किसी के डायबिटीज़ का ख्याल रखते हुए चाय फीकी दी गई हो, या हो सकता है कंट्रोल में हो, चाय ज़्यादा मीठी पीने की ख्वाहिश हो, तो उन लोगों का इंटरनल मामला है, उससे अपने को क्या मतलब। ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती कि जेडीयू ने बेइज्जत किया, बल्कि उनको उनकी सोच से ज़्यादा जो इज्जत माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया, शायद वो फिर भविष्य में कोई दूसरा नेता नहीं दे। आज एक छोटी सी कमेटी के लिए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की अल्टीमेटम देने की नौबत बता रही, और मिंटों नहीं लगा उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया नीतीश कुमार जी। क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा सम्मान कोई सोच सकता है? उनका अपना इशू है, उनका अपना निजी मामला है, कैलेंडर कौन देखता है, कौन क्या करता है, इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार काम करते हैं और उनका सजेशन और सलाह और ताकीद भी होती है कि काम पर ध्यान दीजिए, काम पर ही हम लोग ध्यान दें।